अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने करना है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सबसेट आपके पास कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, दूसरा सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4। ठीक, अब ये प्रॉपर सबसेट ए बी का तभी होगा जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ए में ना हो। जैसे ये देखें, 1 बी में है, 2 भी बी में है, 3 भी बी में है, लेकिन 4 जो है ए में नहीं है। मतलब आपका एक सेट जो भी हम प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं उसके तो तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए, लेकिन दूसरे सेट में एक कम से कम एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि पिछले सेट में ना हो, तभी हम उसे प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। और प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसका मतलब होता है कि ए कंटेन कर जाता है बी में, ए का पूरा सेट बी के अंदर कंटेन करता है। इसका जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सबसेट कैसे फाइंड करते हैं। सबसेट के लिए मैंने आपको स्टार्ट में एक कहा था कि फर्स्ट फाई हम लास्ट में लिखते हैं, उसके बाद एंड पे हम लिखते हैं जो भी हमारा सेट गिवन होता है वो भी लास्ट में उसका सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट का भी थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है कि हमने फर्स्ट फाई लास्ट में लिखना है। फाई लिख दिया, नेक्स्ट यहाँ पे तो है ही एक ही एलिमेंट, डेट्स वाई हम इसको भी लिख देंगे। ठीक, अभी मैंने प्रॉपर सबसेट की, अब चेक करेंगे ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। ये देखें, फाई इसमें कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि फाई का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट फाई में नहीं होता, तो मतलब इधर भी फाई हम लगा सकते हैं क्योंकि इधर भी हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। अब दूसरा ए को चेक करें, ए भी कंटेन कर रहा है पूरे का पूरा इसमें, डैट मीन्स कि ए इसका प्रॉपर सबसेट है। अब जो है हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट आप लोगों ने इसका खुद करना है। थर्ड पार्ट अगर देखें, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, अब हम इसका करने लगे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, सेट है 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक, ये है हमारे पास। अब इसको हमने प्रॉपर सबसेट में कैसे कन्वर्ट करना है, फर्स्ट कंडीशन वही फाई हम लिखेंगे, से लास्ट में भी, उसके बाद हमने सेपरेट इनको सेट की फॉर्म में लिखना है। ये देखें, फाई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड क्या थी, हमने हर एलिमेंट को सेपरेट लिखना है, 1 सेपरेट, 2 सेपरेट, 3 सेपरेट। अब क्या करना है, लास्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें तो 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स को कैसे करना है, हमने क्या करना है, पहले 2 को लिखना है, 1, 2 को, फिर हमने क्या करना है, 1 को 3 के साथ लिखना है, 1, 3। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है, पहले हमने 1 को 2 के साथ लिखा, फिर हमने 1 को 3 के साथ लिखा, 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 की बारी लेते हैं, 2 को हमने 3 के साथ लिख देना है। ठीक, अब हमने इस पे लास्ट ये वाला पूरा सेट नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर सबसेट की कंडीशन बताई है कि हमारे पास बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि उसके प्रॉपर सबसेट में कंटेन ना करे। ये देखें, अब हम चेक करते हैं, फाइव इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बाकी 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। मतलब जो हमारी कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट 1 एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स डिफरेंट हैं और ये कंटेन भी कर रहा है। ठीक, सेकंड कंडीशन चेक करें, सेकंड टर्म है हमारे पास, सेट है जो है वो है 1 हमारे पास इधर है, ये हमारे पास है 1। ठीक, लेकिन 1 के अलावा हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 एंड 3।
ये भी टू एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट हैं, तो डैट मीन्स के वन हमारे पास प्रॉपर सबसेट है. अब इसको चेक करें तो यहाँ पे तो आ गया टू, हमारे पास वन और थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो डैट मीन्स के ये भी हमारे पास पूरे का पूरा प्रॉपर सबसेट है इस पूरे सेट का. थ्री, इसी तरह थ्री को चेक करते हैं तो वन टू डिफरेंट है, जो कि मैंने आपको कहा था कि एक या दो या तीन जितने भी हैं ये एलिमेंट तो कंटेन करना चाहिए उसके अंदर, लेकिन बाकी एक या दो या तीन जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए कि जो इस सेट में ना हो, तो ही हम इसे प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं. ये भी प्रॉपर सबसेट इसका बन रहा है. अब इधर वन टू को देखें, वन और टू दोनों हैं लेकिन हमारे पास थ्री नहीं है. डैट मीन्स कि एक एलिमेंट तो इधर ऐसा है ना जो हमारे पास इस सेट में नहीं है, इसलिए ये भी प्रॉपर सबसेट है. अब चेक करेंगे वन और थ्री को. वन और थ्री हमारे पास दोनों एलिमेंट इस सेट में है, लेकिन एक टू ऐसा है जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है, तो ये वन और थ्री भी ऐसा एलिमेंट सेट हो गया जो हमारा इस सेट का प्रॉपर सबसेट है. अब चेक करते हैं टू थ्री को. टू थ्री भी हमारे पास है, लेकिन वन एक एलिमेंट ऐसा है जो कि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता इस सेट में, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि टू थ्री भी हमारा वन टू थ्री सेट का प्रॉपर सबसेट है. लास्ट जो जिसमें कन्फ्यूजन है आप लोगों को, वो ये है कि मैंने यहाँ पे वन टू थ्री क्यों नहीं लिखा. वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वन टू थ्री तीनों एलिमेंट्स, यहाँ पे भी तीनों एलिमेंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इधर ऐसा नहीं बचता कि मैं कह दूँ कि ये प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. क्योंकि हमारे पास ये देखें, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद था, ये कंटेन कर रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट एक था जो कि तभी हमारे पास प्रॉपर सबसेट बनता ए का बी के साथ, अगर हमारे पास एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करते. लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हमने लास्ट पे वन टू थ्री को राइट नहीं करना. हमने कम से कम, यानी कि अगर आपके पास थ्री एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे कम से कम टू आने चाहिए. लास्ट पे हम थ्री एलिमेंट्स नहीं लिख सकते. अगर यहाँ पे फोर एलिमेंट्स होते तो हम लास्ट पे थ्री एलिमेंट्स लिख सकते थे, लेकिन फोर नहीं लिख सकते. एक एलिमेंट कम ही हमने लिखना है तो ही वो प्रॉपर सबसेट इसका बनेगा. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.